तो यही वो हवेली है जिसे लोग आज भी नमक राम की हवेली के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं लाहौरी ईंटों का इसके अंदर काम हुआ है और समय के समय थोड़ा बहुत अब जो 1947 की हमारी जंग हुई थी, सबसे आखिरी जंग जब अंग्रेजों के यहाँ से पैदा गया था, उस समय भी इसी हवेली के अंदर उन्हें पनाह दी गई थी उस समय 1947 के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद इमरान, आप बहुत दोस्त आपका अपने चैनल सबकी मंजिल। दोस्तों मैं आ गया आज फिर से एक नई ऐतिहासिक जगह। जी हाँ दोस्तों, आज मैं क्राउन चांदनी चौक के अंदर, आप देख सकते हैं सीधी रोड पे ये फतेहपुरी मस्जिद और ये पुलिस चौकी है। दोस्तों आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो हिस्टोरिकल जगह है, वो नमक राम की हवेली जिससे इतिहास जुड़ा है 1803 या कह लो आज़ादी का। समझ सकते हैं आप नमक राम, आप जो नाम सुनने हो वो क्या चीज़ है। दोस्तों आपके खानदान में हो या किसी भी फैमिली या किसी भी महाराजों की कहानी सुनोगे उसके अंदर एक कोई ना कोई गद्दार होगा। दोस्तों उसी गद्दार को कहा जाता था नमक हराम, जो जिस थाली में खाता था उसी में छेद करते हैं, उसे बोलते हैं नमक हराम। दोस्तों आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर लोग बात बताते हैं कि बिकराम जो हलवा स्वीट कॉर्नर है वहाँ से रास्ता जाता है, लेकिन दोस्तों जब आप सुबह के टाइम आओगे तो ये रास्ता बंद होता है। तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जहाँ से आप किसी भी वक्त आओगे तो आप नमक राम की हवेली के अंदर पहुँच सकते हैं। समझ सकते हैं ये जो पुलिस चौकी है, इसी पुलिस चौकी के आगे और बीकानेर जो हलवाई वाले हैं उनसे ही थोड़ी दूरी पर ये गली है जो हर वक्त खुली रहती है। इसी गली की अंदर से जो चांदनी चौक की तन गलियाँ हैं उन्हीं गलियों के अंदर से हम नमक राम की हवेली की तरफ पहुँचेंगे। चलिए आप देख सकते हैं दोस्तों इसी गली के अंदर ये एक मंदिर पड़ता है जिस मंदिर से हमें लेफ्ट लेना है, उसके बाद एक राइट आएगा वहां पे जाना है। देखिए दोस्तों ये दूसरा कट है और फिर इसके बाद हमें राइट लेना है, फिर उसके बाद आएगी नमक राम की हवेली। दोस्तों हम इस टाइम आ चुके हैं चांदनी चौक के अंदर तंग गलियों के अंदर। आप देख सकते हैं ये वो गलियां हैं जिनका इतिहास दिल्ली की जड़ माना जाता है। जहाँ दोस्तों आप जानते हैं कि चांदनी चौक दिल्ली का गढ़ है, यहाँ पर आप जिस गली के अंदर घुसोगे उस गली के अंदर दूसरी गली जुड़ जाएगी, यानी कि इन गलियों का कभी कोई ख़त्म नहीं है। समझ सकते हैं आप, तो उसी गलियों के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था आज मैं दिखाऊंगा वो नमक राम की हवेली जिसका इतिहास आज़ादी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों आज हम उसी नमक राम की हवेली का आपको नज़ारा कराएंगे और वो नमक राम फैमिली या वो नमक राम बंदा कौन था जिसकी वजह से इस खानदान को या इस कुंबे को एक नमक राम का लकब मिला। आप देख सकते हैं ये पुरानी हवेली है अंग्रेजों के टाइम की जो शायद अब बंद है। ये एक बीच में हवेली आती है लेकिन ये नमक राम की हवेली नहीं, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है आप कह सकते हैं, लेकिन जो नमक राम की हवेली है वो मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। तो यही वो हवेली है जिसे लोग आज भी नमक राम की हवेली के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं लाहौरी ईंटों का इसके अंदर काम हुआ है और समय के समय थोड़ा बहुत मतलब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम किया गया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ये नमक राम की हवेली क्यों पड़ा, इसका इतिहास या इसका बुनियाद आज से आप मान सकते हैं लगभग 400 साल पहले से कहा गया है। समझ सकते हैं आप पूरा देख सकते हैं मेरे ऊपर का नज़ारा, ये उस नमक राम की मेन एंट्री कहलाई जाती है। समझ सकते हैं आप, और इसका मैं आपको अंदर का नज़ारा करते हुए फिर इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि 1803 के अंदर इसके अंदर क्या हुआ जिसकी वजह से इसे नमक राम का नाम दिया गया। तो हम अंदर की साइड चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यही नमक राम की मेन हवेली है जहाँ आज भी नमक राम के खानदान की कुछ वंशज या कह सकते हैं कुछ पीढ़ी आज भी यहाँ रहती है। समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके आगे की कि ये नमक राम इनका नाम क्यों पड़ा। दोस्तों आप जान सकते हैं कि 1800 के समय मुग़ल कमज़ोर होने लगे थे, जो कहा जाता है 1803 का वक्त था जब अंग्रेज़ों ने यहाँ अपने मजबूत पेड़ जमा लिए थे। लेकिन दोस्तों उस समय
दो ऐसी सभ्यता और थी जिनको अपन अंग्रेजों का काबू नहीं था। पहली जाट थे, दूसरे थे मराठा। जाट तो यहाँ से दूर हैं राजस्थान। दोस्तों जो मराठा थे उनके अंदर एक बहुत मजबूत बादशाह हुआ करते थे दोस्तों, जिनका नाम था यशवंतराव पुलकर, जो उस समय मराठाओं के एक बहुत बड़े बादशाह थे। वो उस समय दूसरे ऐसे बादशाह थे जो अंग्रेज़ों से जंग लड़ते जीत सकते थे। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत राजनीतिक का तौर रहा है या जंग लड़ने का तरीका रहा है कि जो ताकतवर बादशाह हो उसके अंदर एक कमज़ोर कड़ी ढूंढी जाती है। वही वो कड़ी बने भवानी शंकर, जो यशवंतराव पुलकर के सेनापति थे। वो वैसे सेनापति थे जो पूरी सेना को संभालते थे। वही कारण बना जो यशवंतराव पुलकर अंग्रेज़ों से हार गए, समझ सकते हैं आप। उसी के बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने खुश होकर भवानी शंकर को ये हवेली गिफ्ट करी, समझ सकते हैं। ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग से आपको दिखाता हुआ आया हूँ, ये वो हवेली है जहाँ भवानी शंकर का पूरा कुंबा रहता था, या आप कह सकते हैं पूरा खानदान रह सकता था। आप देख सकते हैं ये पूरी हवेली है जहाँ पे आज भी वो लोग रहते हैं, मैंने के नमकराम के लोग, समझ सकते हैं। और कहा जाता है उसी के बाद मुग़ल का दौर ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों जो जाट थे वो उस समय भी मराठों के बाद भी ताकतवर थे। जैसा कि आपको पता है राजस्थान के अंदर एक किला है जिसका नाम है लोहागढ़ का किला, जिससे वो लोग अंग्रेज जो थे वो उस समय भी फतह नहीं कर पाए, जिन्होंने उस किले पे, इंशाल्लाह उसका अलग डेलिकेटेड भोग रहेगा, लेकिन उस किले पे अंग्रेज़ों ने लगभग 13 से 14 बार हमला किया, लेकिन वो फिर भी उस किले को फतह नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो जाटों के ऊपर भी काबू नहीं पा पाया। दोस्तों यही वो गेट है जो समय का बना, उस समय की कलकत्ता भी देख सकते हैं पूरी जो यहाँ बनी हुई है। लेकिन दोस्तों ये जो हवेली है, आप कह सकते हैं नमकराम की हवेली सिर्फ एक गेट नहीं है, इसके और भी बहुत सारे गेट हैं जो अब ध्वज हो चुके हैं, लेकिन उसमें से कुछ गेट आज भी बजे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरी हिस्सा उसका। तो आप देख सकते हैं ये भी वो उस हवेली के हिस्से थे जो मेरा बने हुए थे किसे, और आगे साइड में आपको लेता हुआ चलता हूँ। तो दोस्तों हम जिस तंग गली से होते हुए आए, आप देख सकते हैं ये जैसे जैसे चीटों की गलियाँ होती है। तो दोस्तों यही वो हवेली है, समझ सकते हैं, जहाँ पे अंग्रेज़ों को छपवाया गया था। अब जो 1947 के हमारी जंग हुई थी, सबसे आखिरी जंग जब अंग्रेज़ों के यहाँ से खदेड़ा गया था, उस समय भी इसी हवेली के अंदर उन्हें पनाह दी गई थी, उस समय 1947 के अंदर, जिसकी वजह से इसका जो नमक हराम का लकब था वो और भी ज़्यादा फेमस हो गया। और आस पास के जो दिल्ली के वासी है वो आज भी इसे नमक हराम की हवेली के नाम से जान जाते हैं। तो दोस्तों यही वो एक हिस्टोरिकल जगह थी जो मैंने आज आपको दिखाई है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, सिर्फ चांदनी चौक को छोड़ के। तो कहते हैं इंशाल्लाह आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर चैनल पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस नमक हराम की हवेली के अंदर आने के लिए जो मैंने डायरेक्शन बताई है उससे बहुत आसानी से आ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग के अंदर, तब तक ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।